नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अटकलों के बाजारों के बीच उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में जाने की चर्चा लगातार नीतीश कुमार की चल रही है, एनडीए गठबंधन में नीतीश वापस आ सकते हैं। नीतीश ने आज कहीं ना कहीं इशारों इशारों में इस बात को समझा दिया। तेजस्वी यादव वहीं पे खड़े थे, नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार, माफ कीजिएगा, मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए नीतीश कुमार ने कह दिया कि अब कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकता है। जिसके बाद से बीजेपी में जाने के बाद की चर्चा की गई तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब उड़ते रहता है। अब देखिए, नीतीश कुमार ने कुछ ही दिन पहले एक बड़ी बैठक की थी। इस बैठक में विधानसभा प्रभारियों को बुलाया था, विधानसभा प्रभारियों को कई निर्देश दिए गए थे। चर्चा इस बात की चल रही कि जब से G20 की बैठक से नीतीश कुमार बिहार लौटे हैं, तबातोड़ बैठक पे बैठक कर रहे हैं। आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है? नीतीश के लिए जो चर्चाएं चल रही थी, नीतीश के मन में जो बातें हो रही हैं, आखिर क्या हो रहा है? जदयू के कई नेताओं की अगर बातचीत करें तो वो भी ये समझ नहीं पा रहे कि नीतीश के मन के बात में क्या है, नीतीश क्या चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में उनको वैल्यू नहीं मिल रहा है। नीतीश को ना तो प्रधानमंत्री बनाया गया, और इसी के लिए ताकत दिखाने के लिए जो नीतीश के यानी कि जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता है, वो बार बार नीतीश की ताकत को बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, योग्य वही हैं। और उन्होंने जिस तरीके से बिहार को दिया, जो बिहार के लिए किया है नीतीश कुमार ने, वो शायद ही कोई कर पाएगा। बार बार ताकत दिखा रहे हैं, बार बार चीजें हो रही हैं। विधानसभा प्रभारियों को बुलाया गया था, बैठक किया गया था, तब इस बात की चर्चा तेज हुई कि नीतीश कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। नीतीश ने बड़ा फैसला कर दिया। नीतीश ने जो बड़ा फैसला किया है, अपने तमाम जो विधानसभा प्रभारी थे उन प्रभारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, और विधानसभा भंग करने की बात नीतीश कुमार ने कह दिया है। आपको बता दे कि नीतीश कुमार ने जदयू विधानसभा प्रभारियों की टीम को भंग करने का निर्देश दिया है। जो विधानसभा प्रभारी की टीम होती है, उस टीम को भंग करने का निर्देश नीतीश कुमार ने दे दिया है। अब क्या माना जाए, प्रभारी जो हैं वो विधानसभा भंग करेंगे, इस बात की चर्चाएं होने लगी हैं। दो तीन दिन पहले ही नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक की थी। इस बैठक के बाद से चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई, और जिस प्रकार से जो बातें सामने निकल के आ रही थी विधानसभा प्रभारियों को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब जो कयासों के बाजार थे उन पर विराम लग रहा है। नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो टीम थी प्रभारियों की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की, उसमें नीतीश कुमार ने उन सभी टीम को भंग करने का निर्देश दिया है। तो नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाहते हैं इन विधानसभाओं को भंग करवाने के बाद, ये लगातार चर्चा का विषय बना रहेगा। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।